नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉग इन किया है इंडिया समाचार। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें और हिम्मत दें। धन्यवाद। आज तारानगर विधानसभा क्षेत्र के तीसरे दिन के दौरे पर पूर्व विधायक डॉक्टर चंद्रशेखर वेद ने खरतबस, भमरा, रेवसीवा, बुचवा सहित कई गांवों व ढोगियों में पहुंचकर ग्रामीणों से व कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की व ग्रामीणों से जनसंपर्क किया और गांवों में उत्साहित सैकड़ों आम जनमानस ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। डॉक्टर वेद ने वर्तमान बीजेपी की राज्य सरकार पर कहा कि महारानी जी का लंदन जाने का समय आ गया है। बीजेपी के क्रूर से आम जन दुखी हो चुकी है और इस सरकार का पाप का घड़ा भर चुका है। अब आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार कांग्रेस की बनना तय है। राजस्थान की जनता इस बीजेपी के आतंक से मुक्ति पाने के लिए चुनाव का इंतजार कर रही है। साथ ही गांववासियों को ये भी विश्वास जताया कि आगामी सरकार कांग्रेस की होगी और उनकी समस्याओं का न्याय उचित निदान किया जाएगा व गांवों व अनेक ग्रामीणों के बीच अभाव भाव योग सुने व ग्रामीणों के मूलभूत समस्याओं को प्रशासन तक पहुँचाने का हल निकाला जाएगा। इस दौरान शिव भगवान जोशी, जीवनराम वर्मा, मेघबल, पूर्व सरपंच चौथराम, खयाली राम आदि सहित बहुत सारे वरिष्ठ कांग्रेस जन आदि उपस्थित रहे। निर्देश उसी जिनकी पालना कर लो ही मेरो धर्म है, मैं इस चीज का विश्वास और आज आयो कि चुनाव के अंदर जितना भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है मैं आपस को मतभेद तो बुला रही हूँ, सारा एक हो जाओ, आपका एक ही घर का होगा और एक घर बढ़ोगढ़ निर्देश उसी भी की पालना कर लो ही मेरे धर्म है, मैं इस चीज का विश्वास और आज आपकी चरण आयो कि चुनाव के अंदर जितना भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है मैं आपस को मतभेद तो बुला रही हूँ, सारा एक हो जाओ, आपका एक ही घर का होगा और एक घर बढ़ोगढ़ नौजवान ने एक तो रोजगार दे दिया, महिलाओं वास्ते वो कर दिया, कहने को मतलब वो है कि मैं जितना भी झूठा वादा करया एक बार जनता वो सोच के आपके ऊपर विश्वास कर लियो कि यार कांग्रेस पार्टी ने तो देख ही रहा है इसका रोड़ो बचा रहा है, एक बार आप पर भी भरोसा करके देख लो तो जनता पार्टी तरफ पर मेरे सागा आएगा तारानगर सारा वरिष्ठ कार्यकर्ता स्पेशली मैं नाम लेना चाहूं दानाराम जी को, क्योंकि दानाराम जी, उदाराम जी और अमित चंद जी ये तीन आदमी है जगह तारानगर विधानसभा क्षेत्र का सब सीनियर और सब वरिष्ठ और सब सभ्य और सारा कार्यकर्ता ने पसंद करा है, ईसा अपने कांग्रेस का कर्मठ कार्यकर्ता है, साबा गांव वायडा ये सब खास खास कार्यकर्ता आपने सब में बहुत बहुत राम राम नमस्कार। एक चीज सर मालूम है कि दिसंबर में राजस्थान विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, इंटरनेट पर उड़ो लाजमी है लेकिन ये खटपट आपने घर की है, घर के बारे आपा सब एक दिखा जना तो आपने शुभ है और जना ही आपा सामने वाली पार्टी के ऊपर भावी अगर घर के मायने ही आपा उत्सुक रह जा तो इन चीज की आशा कोई करी जा सके, अरे भाई एक बार जब माशे करना आपा घर के मायने ही खटपट कर श्याम तो ये जो फायदो मिलसी सामने की पार्टियां 5 साल पहले केंद्र में भाजपा की सरकार बनी और राजस्थान के अंदर भी भाजपा की सरकार बनी, नौजवानों ने एक तो रोजगार दे दिया, महिलाओं वास्ते वो कर दिया, कहने को मतलब वो है कि मैं जितना भी झूठा वादा करया एक बार जनता वो सोच के आपके ऊपर विश्वास कर लियो कि यार कांग्रेस पार्टी ने तो देख ही रहा है इसका रोड़ो बचा रहा है, एक बार आप पर भी भरोसा करके देख लो तो जनता पार्टी तरफ पर है, इंटरनेट पर उड़ो लाजमी है लेकिन ये खटपट आपने घर की है,
घर के बारे आप सब एक दिखा जना तो आपने शुभ है और जना ही आप सामने वाली पार्टी के ऊपर हावी हो सके। अगर घर के मायने ही आप उत्सुक रह सा तो इन चीज की आशा कोई करी जा सके। अरे भाई एक मिनट रुक जा, आप घर के मायने ही खटपट कर सा तो ये जो फायदो मिलते सामने की पार्टियां। 5 साल पहले केंद्र में भाजपा की सरकार बनी और राजस्थान के अंदर भी भाजपा की सरकार बनी।